चूंकि ये एक फार फ्लंग एरिया है, एसटी एरिया है, तो रिमोट एरिया है। इस साइड से शांगस एरिया से ये लास्ट बस्ती है, इससे आगे बस पहाड़ी है। तो काम करने की बहुत ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में अभी लोग उतने अवेयर नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, लोगों को मास अवेयरनेस करने की ज़रूरत है ताकि वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा ले सके। सॉइल कैसे बनी है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुई है, पढ़ने में क्या ये कुछ पर जमीन बना बैक टू विलेज चल रहा है सर। गवर्नमेंट का इस बैक टू विलेज के लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। हमें बहुत दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे सर, आज हर पंचायत हलके में जो 36 हमारी मतलब ये है सर, हर डिपार्टमेंट वो आते हैं सर, हर डिपार्टमेंट से हम काम लेते हैं, वो भी हमारी बात वो भी कहते हैं, हम भी उनका सुनते हैं सर। हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, ये बैक टू विलेज जो किया है, इसमें लोगों को पहले जाना पड़ता था इधर से अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर के पास, अफसर के पास, क्योंकि बहुत मुश्किलात हो चुकी, किसी के पास किराया नहीं था, गुर्बत है, यहाँ बेगवर इलाका है, क्योंकि कोई मुश्किलात होता, किसी को गाड़ी नहीं मिलती थी, तो लिहाजा किराए का बहुत मुश्किल, किराया यहाँ से 200-300 रुपया लगता था, तो वो कहाँ से ले आते थे, फिर दिन को मजदूरी करनी पड़ती थी, फिर वो किराया ला कर तो अनंतनाग जाना पड़ता। सरकार क्या करनी चाहिए जिसकी आपकी मुश्किलें आसान हो जाए? अच्छा, नहीं ये तो इनको डाल दो ना।